कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस में जाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो टॉपिक इज न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, इसने डिस्कवर किया है एंड 1838 में इसको डिस्कवर किया गया है। कहां पर? एन ऑर्चिड प्लांट। न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय अ साइंटिस्ट नेम एज रॉबर्ट ब्राउन एंड 1838 एन ऑर्चिड प्लांट डिस्कवर किया गया है। सेकेंड साइंटिस्ट नेम इज स्ट्रासबर्गर गिव द स्टेटमेंट दैट ईच न्यूक्लियाई एज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम इज द स्ट्रासबर्गर। Each nuclei arises from the free existing nuclei. This statement was given by a scientist named as Strasburger. ये जो statement है, ये किस लिए एक scientist है जिसका नाम है Strasburger, उसने statement दिया है। Another scientist, एक दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम हेमलिंग is another scientist. He says that nucleus is the controller of the cell and nucleus is the director of the cell. This statement was given by a scientist named as Hemmeling. That nucleus is the controller and director of the cell This statement was given by a scientist named as Hemmeling. And LG of Isita Bulera. This statement was given by that nucleus is the controller and nucleus is the director of the cell was given by a scientist name is Hemmeling and Isita Bulera. Ilgi me is the statement jo ye hai kisne diya hai Hemmeling scientist hai isne ye statement diya hai. Ab second hum discuss karenge about the size of the nucleus. So nucleus is present in camel and llama. Camel and llama में nucleus present होता है. While nucleus is absent in mammalian RBC. And nucleus is absent in mammalian RBC. में जो nucleus होता है absent होता है and cell tube भी ये absent होता है. Cell tube किस चीज को कहते हैं जो phylum में tubes होता है. This is called as the cell tube. और इसमें nucleus जो होता है वो absent होता है. And nucleus is also absent in the muscle cell. जो मसल सेल्स होते हैं उसमें भी न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द मसल सेल। मसल सेल्स में भी न्यूक्लियस हमारे साथ क्या होता है एब्सेंट होता है। मसल सेल में ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ये जो न्यूक्लियस हमारे साथ है ये वेरिस कर देते हैं डिफरेंट चीजों में। ये वेरिस होते हैं, फिक्स नहीं होता कि अगर हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में उसमें वन न्यूक्लियस होता है
अगर हम देख ले तो ओनियन हमारे साथ प्रेजेंट होता है, ओनियन ओनियन है अ फोर न्यूक्लियर, ओनियन जो हमारे पास होता है फोर न्यूक्लियर जो हमारे पास होता है वो इसके साथ प्रेजेंट होता है ओनियन। इसी तरह अगर हम एक्स सेल को देखें, एक्स सेल एज हैव द 30,000 पर स्पोर जो कि हमारे पास होता है वो प्रेजेंट होता है एक्स सेल में। एक्स सेल हैव अ एक्स सेल Excel have a 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियर ये हमारे साथ क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं एक्सेल में। अगर हम एरिथ्रोसाइट में देख लें, एरिथ्रोसाइट्स जो कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है एरिथ्रोसाइट में, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 पोर्स पर न्यूक्लियर ये जो कि हमारे पास होता है वो प्रेजेंट होता है एरिथ्रोसाइट्स में। ओनियन में अगर हम देख लेते हैं हमारे साथ क्या होता है 4 न्यूक्लियर पर सेल्स प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियस हमारे साथ क्या कर लेता है वेरीज कर लेता है, दिस इज द न्यूक्लियस। अब हमारे साथ है साइज एंड शेप ऑफ द न्यूक्लियस, साइज एंड शेप ऑफ द न्यूक्लियस की न्यूक्लियस का साइज क्या होता है और शेप्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस 5 बास बुक में हमारे साथ है 5 microns to 30 microns बास बुक में हमारे साथ कहां तक है 5 microns to 30 microns एंड बास बुक में हमारे साथ है 10 micrometer तक ये हमारे साथ क्या होता है प्रेजेंट होता है। अब हमारे साथ है शेप ऑफ द न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस के जो शेप्स होता है व्हाट इज द शेप्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का शेप किस तरह होता है, शेप ऑफ न्यूक्लियस, शेप ऑफ न्यूक्लियस अगर हम न्यूक्लियस का शेप देख ले तो द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज ओवल, ओवल एलोंगेटेड, ओवल होता है एलोंगेटेड होता है एंड देन द स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप्स बट न्यूक्लियस इज आल्सो इररेगुलर इन शेप्स, इररेगुलर भी हमारे साथ क्या होता है इररेगुलर, न्यूक्लियस इज आल्सो इररेगुलर एंड शेप। इररेगुलर हम क्यों कहते हैं, इररेगुलर हम इसलिए कहते हैं कि अगर हम देख लें लीकोसाइट सेल ऑफ WBCL, लीकोसाइट्स, लीकोसाइट सेल ऑफ WBCS, WBCS मींस व्हाइट ब्लड सेल में अगर हम लीकोसाइट्स में देख लें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड द लीकोसाइट इज इररेगुलर appears is just like the irregular, so इसलिए हम कहते हैं कि the shape of nucleus is irregular, oval, elongated and the spherical end shapes, ये हमारे साथ क्या होते हैं shape of the nucleus होता है। अब nucleus हमारे साथ present होता है mononuclei होती है, binucleus में nuclei present होते हैं and polynuclei भी हमारे साथ क्या होते हैं वो present होते हैं। अब ये बताएंगे कि mononuclei कहाँ पर present होता है, binucleus कहाँ पर होते हैं and polynuclei हमारे साथ क्या होते हैं कहाँ पर present होते हैं। मोनोन्यूक्लियाई अगर हम मोनोन्यूक्लियाई को देख ले, मोनोन्यूक्लियाई, मोनोन्यूक्लियाई मींस सिंगल सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियाई पर सेल दैट इज कॉल्ड इज मोनोन्यूक्लियाई, सिंगल न्यूक्लियाई, सिंगल न्यूक्लियाई पर सेल, सिंगल न्यूक्लियाई पर सेल इज कॉल्ड द मोनोन्यूक्लियाई। अगर हम बाइन्यूक्लियाई को देखें, बाइन्यूक्लियाई that is equal to two cell, two nuclei per cell that is called the binuclei, ये हमारे साथ क्या होते हैं binuclei होते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ है polynuclei, polynuclei means many nuclei per cell that is called as the polynuclei, ये हमारे साथ क्या है number of nuclei, मोनोन्यूक्लियाई होती है बाइन्यूक्लियाई एंड पॉलीन्यूक्लियाई, मोनोन्यूक्लियाई मींस सिंगल न्यूक्लियाई पर सेल इज कॉल्ड द मोनोन्यूक्लियाई एंड टू न्यूक्लियाई पर सेल दैट इज कॉल्ड इज द बाइन्यूक्लियाई एंड मिनी न्यूक्लियाई पर सेल दैट इज कॉल्ड इज द पॉलीन्यूक्लियाई। तो हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बाइन्यूक्लियाई कि बाइन्यूक्लियाई कहां पर प्रेजेंट होता है, बाइन्यूक्लियाई
न्यूक्लियाइट। वाई न्यूक्लियाइट दिस इज प्रेजेंट इन द सिलियट्स। सिलियट्स में जब हम देखते हैं तो उसमें भी प्रेजेंट होता है जो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है, इसमें ये प्रेजेंट होता है। एंड देन पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी हमारे साथ क्या होता है, बाइन्यूक्लियाइट प्रेजेंट होता है। बाइन्यूक्लियाइट मीन एक मैक्रोन्यूक्लियाइन होता है और सेकेंड वन मैक्रोन्यूक्लियाइन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बाइन्यूक्लियाइट। सिलियट्स में अगर हम देखें तो एक हमारे साथ क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियाइन होता है, मैक्रोन्यूक्लियाइन। एंड सेकेंड वन जो कि हमारे पास होता है वो मैक्रोन्यूक्लियाई होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूक्लियाई जो कि हमारे पास होते हैं उसके साथ प्रेजेंट होता है। सिलियट्स में एक जो कि हमारे पास होता है न्यूक्लियाई वो सेक्सुअल फंक्शन करते हैं, एंड सेकेंड वन जो कि हमारे पास होते हैं वो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इन द बाइन्यूक्लियाई। ये हमारे साथ क्या चीज होते हैं, बाइन्यूक्लियाई होती है। एंड पॉलीन्यूक्लियाई फिर इसके बाद हमारे साथ क्या चीज आते हैं, पॉलीन्यूक्लियाई, पॉलीन्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं मिनी न्यूक्लियस पर सेल, मिनी न्यूक्लियाई पर सेल इज कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियाई। और पॉलीन्यूक्लियाई के अगेन टू टाइप्स होते हैं, एक अगर हम देख ले तो सिंसेशियम होता है, दूसरा जो कि हमारे पास होता है वो इनसाइड्स होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंसेशियम। अगर हम सिंसेशियम को देख लें, सेंसेशन इज कम एज सेंसेशन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द सेल्स। सेंसेशन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ, बाय द फ्यूजन ऑफ द सेल। सेंसेशन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द सेल। ये हमारे साथ क्या होता है, सेंसेशन होता है, जो कि हमारे साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड के टू टाइप्स होते हैं। फिर इसके बाद होते हैं इनसाइड्स। Coincide is produced by the fusion of free nuclear division की वजह से जो हमारे साथ produce होता है, that is called coincide. Produced or formed, produced or formed, are formed by the free nuclear division, by free nuclear division. पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस मेनी न्यूक्लियाई पर सेल इज कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियाइड। पॉलीन्यूक्लियाइड टू टाइप्स होता है, सेंसेशियम होता है एंड कोइंसाइड्स होता है। सेंसेशियम इज फॉर्मड, सेंसेशियम इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ सेल्स, एंड कोइंसाइड्स इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से होता है दैट इज कॉल्ड द कोइंसाइड्स। अब ये हमारे साथ क्या चीज है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। Now we will discuss about the structure of the nucleus. Structure of the nucleus. Structure of the nucleus में सबसे पहले हमारे साथ क्या चीज आता है, कैरियोटिका, कैरियोटिका, and it is कैरियोटिका that is also called is the nuclear membrane, nuclear membrane and nuclear envelope. Nuclear envelope. So that is the karyotika first form. That structure of the nuclei हम discuss कर रहे हैं. Structure of the nucleus. Structure of the nucleus में first हमारे साथ क्या है, karyotika and nuclear envelope, and it is also called as the nuclear membrane. अब ये nuclear envelope and nuclear membrane किसे कहते हैं? Karyotika और nuclear membrane separate. Nuclear membrane. Nuclear membrane. Membrane separate the nucleus from cytoplasm is called as nuclear membrane or karyotika. Karyotika nuclear membrane and nuclear envelope का function क्या होता है, and separate the nuclear membrane separate the nucleus from the cytoplasm or separate the cytoplasm from the nucleoplasm, that is called as the nuclear membrane. Structure main derive karta hu, so this is ye hamare sath kya hota hai, presence hota hai
है द न्यूक्लियोलस, द डार्क रीजन एंड साइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। ये हमारे साथ क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो क्या हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ये हमारे साथ क्या चीज है, न्यूक्लियस है। एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, और ये हमारे साथ क्या है, साइटोप्लाज्म है। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, सो दिस इज कॉल्ड द कैरियोटिकॉइड, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज द न्यूक्लियर एनवेलप, और इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड विथिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हमारे साथ क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिड है हमारे साथ। एक होते हैं इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, सेकंड वन इसका इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन, अगर हम आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन एट द 75 इंच फ्रॉम इसका डायमीटर इसका लेंथ होता है, एंड इनर मेम्ब्रेन इज आल्सो 75 इंच फ्रॉम इसका होता है। सो दिस इज द डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, इसी साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टेंस इसका हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर एंड इनर ये दोनों हमारे साथ क्या होते हैं, 75 एंगस्ट्रॉम ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो अब अगर हम देखें द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट, द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट the space which is present between the two membrane is called is perinuclear membrane, this is called the perinuclear, the space which is present between the two membrane is called the perinuclear membrane। और इसको हम क्या नाम देते हैं, perinuclear membrane का नाम देते हैं, जिसका diameter हमारे साथ कितना है, 15 nanometer तक इसकी क्या होता है, diameter होता है। perinuclear membrane a diameter at is equal to the 15 nanometer तक इसका क्या होता है, diameter होता है। second ये second option, second point हो गया nuclear envelopment। third point ये है, nuclear membrane is not a continuous, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे साथ क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होता, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज द प्रेजेंट द सम स्पोर्स एंड दिस स्पोर इज कॉल्ड द न्यूक्लियर स्पोर, और इस स्पोर को हम नाम देते हैं कि हमारे साथ कौन सा स्पोर होता है, न्यूक्लियोस्पोर इसको हम नाम देते हैं। एंड दिस न्यूक्लियोस्पोर, और ये जो न्यूक्लियोस्पोर हमारे साथ होते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर टू 100 नैनोमीटर तक ये हमारे साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोस्पोर। अब ये जो न्यूक्लियोस्पोर होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि इस न्यूक्लियोस्पोर से जो राइबोसोम्स हमारे साथ होते हैं, जिसका डायमीटर हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली, वो राइबोसोम थ्रू दिस न्यूक्लियोस्पोर, इस न्यूक्लियोस्पोर से जो राइबोसोम्स हमारे साथ होते हैं, वो पास होते हैं, जिसका साइज होता है 230 to 250 एंगस्ट्रॉम तक, इससे क्या होता है, साइज होता है, वो राइबोसोम इससे क्या होता है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इस न्यूक्लियोस्पोर से फास होते हैं। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। अब हमारे साथ है न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, सो अब हमारे साथ है न्यूक्लियोलस। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे साथ सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोलस। व्हाट इज मीन बाय द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कैसे कहते हैं, न्यूक्लियोलस मीन्स द डार्क रीजन, डार्क रीजन, द डार्क रीजन एंड साइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इज न्यूक्लियोलस। द
द डार्क रीजन इन साइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इज न्यूक्लियस. दिस इज द डार्क रीजन इन साइड द न्यूक्लियस है. सो इसको हम नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या चीज होता है, न्यूक्लियोलस. इसका डिफिनेशन भी यही है कि द डार्क रीजन इन साइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इज न्यूक्लियस. इसको हम नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या चीज होता है, न्यूक्लियोलस. सो द डार्क रीजन इन साइड द न्यूक्लियस ए सैंपल कॉल्ड इज द न्यूक्लियोलस. इसको हम नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या चीज होता है, न्यूक्लियोलस होता है. And this nucleolus is a membraneless. और ये जो nucleolus हमारे साथ होता है, nucleolus as a membraneless, इसका कोई भी membrane हमारे साथ क्या होता है, present नहीं होता nucleolus का. Nucleolus is first discovered by a scientist named as Francia. Francia एक scientist है जिसने सबसे पहले किस चीज को discover किया है, nucleolus को discover किया है. And another scientist साइंटिस्ट ने एक दूसरे साइंटिस्ट है जिसने इस न्यूक्लियोलस को नाम दिया है. द नेम वॉज गिवन टू द न्यूक्लियोलस. नेम वो साइंटिस्ट जिसने इस न्यूक्लियोलस को नेम दिया है वो साइंटिस्ट का नाम है बोमैन. बोमैन कैन गिव द नेम टू द न्यूक्लियोलस. बोमैन ने किस चीज को नाम दिया है, इस न्यूक्लियोलस को नाम किसने दिया है, बोमैन ने इस न्यूक्लियोलस को नाम दिया है. So nucleolus किस चीज को कहते हैं, dark region inside the nucleus is called as the nucleolus. और nucleolus is the membrane less होता है. nucleolus was first discovered by the Francia scientist का नाम है. and फिर nucleolus को एक नाम दिया है, किसने नाम दिया है, एक scientist है जिसका नाम है Bowman, इसको क्या दिया है, नाम दिया है. so nucleolus contains DNA. nucleolus के साथ हमारे साथ क्या होता है, DNA भी इसके साथ present होता है. and nucleolus have the RNA. RNA भी इसके साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोलस है द प्रोटीन, प्रोटीन भी इसके साथ प्रेजेंट होता है. बट न्यूक्लियोलस है द मोस्टली RNA जो कि हमारे पास होते हैं वो किस चीज के साथ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली RNA एज मैक्सिमम अमाउंट. एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में. अब हमारे साथ फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. Function of nucleus. Function of nucleus. हमारे साथ क्या चीज है? Function of nucleus means function of first function of nucleus यह है कि store the genetic information. Store the genetic information. ये हमारे साथ किस चीज को स्टोर करता है, genetic information को भी स्टोर करता है. Second function of the nucleus ये है कि अगर हम cells को देख लें तो first of all जब तक इसका chemogenesis नहीं होता तो फिर इसका cytokinesis भी नहीं होती. सबसे पहले एक सेल का जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले इसका कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर इसके बाद उसके क्या चीज होता है, cytokinesis होता है. So this is the function of the nucleus. First क्या चीज होता है, कैरियोकाइनेसिस. After that, फिर इसके बाद हमारे साथ क्या होता है, इसका cytokinesis होता है. And nucleus is also the controller of the cell. इसको controller of the cell भी कहा जाता है. And it is also called the director of the cell. Director of the cell भी इसको कहते हैं. फंक्शन में इसलिए लेते हैं क्योंकि कंट्रोल इस सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है, चाहे जो चीज एंटर होता है सेल में या जो चीज बाहर जाता है सेल में थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो इस ये जो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है. तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल. न्यूक्लियस हमारे क्या चीज होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल्स होता है. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक्स. अगर आप लोगों को किसी चीज़ की, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो फिर इसको कमेंट सेशन में लिख दीजिए. सो दैट इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक, नेम इज न्यूक्लियस. सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आप तक पहुंच सके.